अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो हमारी बेसिक पे होती है, जो डियरनेस अलाउंस होता है, जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, अगर आपको व्हीकल मिली हुई है तो यू डोंट गेट द ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यू हैव टू सरेंडर इट, तो वो सारी चीजें रहती हैं। मतलब वही मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स को कि फिकर मत करिए, बस पेपर निकालिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए एकदम तैयार है कि आप बस आओ और वो करो। बट ये है, लोगों को दूर से देख के लगता है कि हाँ इतनी सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी चीज की रहती भी है कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल मिलती हैं, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसी के साथ साथ। बिल्कुल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी आप हायर पोजीशन पे जाते जाते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही बढ़ती जाती हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करता है आप, जैसा मैंने बताया कि रेलवे में ही विद इन इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, में आपको बताऊं तो इसमें अलग अलग विंग्स हैं। जैसे एक मैं जस्ट एक थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा कि हमारा काम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रेलवे में कैसा काम होता है। तो इसमें होता है एक जनरल सर्विसेज सब डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिकल का, जनरल सर्विसेज जो कि पूरा पावर सप्लाई से लेके जो भी मेंटेनेंस वगैरह होता है वो सारा कुछ जनरल सर्विसेज के अंडर आता है, इंक्लूडिंग जो कोचेस के इलेक्ट्रिकल पोर्शन, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, एसेट्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस। फिर हमारा ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज रिलेटेड टू ओवरहेड इक्विपमेंट, जिससे जो हमारा लोकोमोटिव होता है वो पावर ड्रॉ करता है ऑपरेशंस के लिए। वो पूरा एसेट होता है जो कि आपको ट्रैक के ऊपर दिखता भी होगा, वायर्स होते हैं, मास्ट होते हैं, तो वो पूरा सिस्टम होता है कैटनरी कॉन्टैक्ट का, जिससे कि हम पावर ड्रॉ करते हैं और ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रैक्शन ऑपरेशन होता रहता है। उसके बाद एक होता है ट्रैक्शन ऑपरेशन बोलते हैं हमारे यहाँ। ट्रैक्शन ऑपरेशन इज बेसिकली हैंडलिंग ऑफ रनिंग रनिंग स्टाफ जो होता है, मतलब आपके जो लोको पायलट्स होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं लोकोमोटिव्स के, उनका हैंडल करना, उनका क्रू लॉबीज होती हैं, रनिंग रूम्स होते हैं, उनको हैंडल करना, उनकी पूरी ड्यूटी मॉनिटर करना, वो जॉब भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक सिंगल जो ऑफिसर ब्रांच ऑफिसर होता है उसके पास हो सकता है कि 8,000 स्टाफ हो मैनेज करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क कि उनकी सारे ग्रीवियंसेस से लेके सारा कुछ मैनेज करना, उनके रोस्टर से लेके एंड एवरीथिंग, प्लस ट्रबल शूटिंग पार्ट भी होता है फेलियर्स के टाइम पे, वो होता है। फिर हमारा एक लोको शेड्स होते हैं हमारे, जहाँ लोकोमोटिव का मेंटेनेंस होता है, उनका रूटीन मेंटेनेंस, वो शेड का इंचार्ज होता है, वो देखना होता है। फिर प्रोडक्शन यूनिट होती है जहाँ पे लोकोमोटिव मैनुफैक्चर होते हैं, वहाँ पे मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स अलग हैं, जैसे DLW है, CLW है, तो ये यूनिट्स होती हैं। फिर कोचेस का मेंटेनेंस होता है, वो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं। फिर जोनल रेलवे की कंस्ट्रक्शन यूनिट होती है जो कि नए नए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, फॉर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं, देन दे हैंड ओवर टू डिविजन्स फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो वो एक विंग होती है। उसके अलावा बहुत सारी रेलवे की PSUs हैं, उसमें दे टेक अप द कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी एंड एवरीथिंग, उसमें डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और पीपल कैन ज्वाइन, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो एक्स कैडर पोस्ट होती हैं, जो कि कोई भी सर्विस का ऑफिसर उस कैडर में आ सकता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेफ्टी डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, या टीचिंग की पोजीशंस हैं जो सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें अच्छा, वो आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रोल रहता है देखा जाए तो। ये बहुत सही है सर। मतलब इतनी सारी चीजें होती है, सीखने को मिलता है हम लोग को वहां पर, बिल्कुल और इतने सारी चीजें आपको वहां पर करनी भी पड़ती है जो लोगों को दूर से दिखता नहीं है, उनको पता नहीं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं सर, कभी भी मैं ऐसा देख रहा हाँ हूँ स्टूडेंट्स को ना कुछ भी पता नहीं रहता है कि वहां पर ना होने क्या वाला है, बस देर लाइक कि हाँ एग्जैक्टली यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज है और जाना एग्जैक्टली है, बाकियों से सुना है, बस अंदर का कोई किसी को कुछ नहीं पता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर कर सकें, सामने वाले को पता चले कि हाँ भाई एक्चुअल में उनके साथ होने क्या वाला है। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं सर, कई ऐसे PSUs होते हैं जहां पर सिर्फ मैनेजमेंट का ही जॉब है, मतलब आप इतना टेक्निकल पढ़ते हो और उसके बाद सिर्फ बिल्कुल मैनेजमेंट का ही जॉब करते हैं। पर यहाँ पर उसका जैसे उसका आप, यूटर हाँ, जैसे अभी आप यहाँ पर बता सकते हैं हम लोगों को कि आपका कहीं ना कहीं टेक्निकल से जुड़ा हुआ है ना सर, बहुत कुछ आपको उसी के हिसाब से करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत थोड़ा बहुत नहीं, जॉब इज बेसिकली बोला जाए तो टेक्नो मैनेजरियल नेचर की जॉब है ये। टेक्निकल तो आप कर ही रहे हो, आप जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो, स्विच गियर प्रोटेक्शन से लेके जो स्कैडा वगैरह होते हैं, जो
जितनी भी मतलब नई टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, उन सारी चीज़ों का यूज़ है यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में। तो आप अपनी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से तो जुड़े ही रहते हो, साथ ही साथ आपके पास मैनेजरियल फंक्शन होता है। इतना बड़ा डिवीजन, एक डिवीजन जो होता है उसमें जो ब्रांच ऑफिसर होता है, जैसे मेरी अभी डेजिग्नेशन डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये डेजिग्नेशन बेसिकली हेडक्वार्टर के लिए होती हैं। अगर इसी सेम रैंक पे मैं डिवीजन जाता हूँ तो आई विल बी कॉल्ड सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर डी बोलते हैं उनको। सीनियर डी जो होते हैं वो ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं ब्रांच ऑफिसर्स, और दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू DRM। तो इनका जो फंक्शन होता है, दे हैव टू मैनेज द एंटायर डिवीजन, उस पूरे डिवीजन का। उनके अंदर बहुत सारे डिपोज होंगे, बहुत सारा स्टाफ होता है, बहुत मेंटेनेंस के लिए करीबन 700-800 किलोमीटर का सेक्शन होता है, और बहुत सारे रोलिंग स्टॉक और एसेट्स होते हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है, और काफ़ी स्टाफ, मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए डिवीजन में तो एक ब्रांच ऑफिसर के पास कम से कम 800 से 1000 आदमी होते हैं जो जिसको उसको मैनेज करना है, उससे जो भी है मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग करवाना है। तो उस तरीके से देखिए तो आप टेक्निकल पार्ट से तो जुड़े रहते रहते ही आप मैनेजरियल फंक्शन भी हैंडल कर रहे हो, तो काफ़ी ब्रॉड स्कोप है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बेसिकली कही जाएंगी वो काफ़ी वेरीड डिमांड्स होती हैं आपकी पोस्टिंग के हिसाब से। लग ही रहा सर, मतलब वो आप, हम लोग स्टूडेंट्स को, आप सबको ये बता ही सकते हैं कि आप जहाँ पर जाने वाले हैं उस चीज का सर ने गलत से क्लिप्स दे दिया कि भाई आप वहाँ पर करने क्या वाले हो। हम लोग अब मेन सर अगले उस पर जाते हैं कि आपका वो 18th रैंक का सफर कैसे रहा था, मतलब आपने इतना कैसे चीजों को किया कि आप इतने अच्छे रैंक को ले आए, मतलब आप एक बता दीजिए कि स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलती करते हैं जो वो नहीं ला पाते इस पोजिशन को। सबसे पहली चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं दिल्ली गया फॉर प्रिपरेशन, तो वहां पे मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है प्रिपरेशन की। वो भीड़ देख के एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है आदमी के अंदर कि मतलब इतने लोगों के साथ इतनी कम सीट्स के लिए आप कंपीट कर रहे हो, तो व्हाट आर द ऑड्स कि आप सक्सीड होगे। तो पहली चीज की सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपरेशन अगर सेल्फ बिलीफ के साथ करते हो, होल हार्टेडली करते हो, तो फिर आगे चांस बनता है चीजों का। और सभी का जो भी प्रिपरेशन करने आता है, सभी का मोटिवेशन होता है, बारिंग फ्यू जो कि मजबूरी में आते हैं किसी न किसी वजह से, फैमिली का प्रेशर होता है या फिर जॉब नहीं मिल रही होती है, जो भी है, बट मोस्टली वो लोग होते हैं जो अपनी चॉइस से आते हैं प्रिपरेशन के लिए, या अपनी वो कहीं भी आए, दिल्ली जाएं या घर से बैठ के करें या अपने होम टाउन से करें, वॉट एवर, बट आपका सेल्फ बिलीव एक ऐसी चीज है जो कि प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट करते हो उस समय ये होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पाओगे, 100% दे पाओगे, और आप जिस आउटकम की उम्मीद कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। तो पहली चीज की बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पास रिकॉर्ड क्या है, वो जरूरी नहीं है कि सफिशिएंट हो जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट को आप पकड़ के चलते हो, उसके हिसाब से आप तैयारी करते हो, तो आपका पास्ट जैसा भी रहा हुआ रिकॉर्ड, यू कैन ऑलवेज ओवरकम इट। तो और बहुत अच्छा पास्ट रिकॉर्ड रहा हो तो इट इज नॉट अ गारंटी कि आपको यहाँ भी सक्सेस मिल जाए, जैसा आपने उस समय स्टार्टिंग में ही कहा कि कोई अगर बचपन से जिसका बोर्ड में मार्क्स अच्छा है वो जरूरी नहीं है कि आपका आगे जाके भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 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 बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम सबके सामने होंगे कि जहाँ पे लोगों के बोर्ड में एग्जाम बहुत अच्छे थे लेकिन उसके बाद उतनी अच्छी करियर ट्रेजेक्टरी या प्रोग्रेशन नहीं रहा उनका, और कई लोग बहुत मीडियोकर भी रहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं। तो कंपटीशन के लिए जो डिटर्मिनेशन, जो विल पावर और जो सेल्फ बिलीफ चाहिए, वो होना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है मैं समझता हूँ। अपार्ट फ्रॉम जो आप तैयारी करते हो कोर में जाके, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, बट ये जनरल क्वालिटीज़ हैं जो एक होनी ज़रूरी है। सर मतलब ये एक ऐसा है ना क्रिस, हम लोगों को पता चल गया, कई स्टूडेंट्स इस बात के लिए डरते रहते हैं सर कि उनके सामने जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो IIT के हैं,
है ना, या बहुत अच्छा टॉप का कैमरा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज को एकदम अच्छे से बता सकते हैं कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए और वो राइट अप्रोच होनी चाहिए, वो भी जरूरी है ना। राइट अप्रोच बड़ा जरूरी है कि आप चीजों को उस डायरेक्शन में ले जा पाओ, तभी आपसे गुड रिजल्ट निकल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मैं आपसे ना ये जानना चाहता हूँ कि फाइनल एक टिप आप मेरे को बता दीजिए स्टूडेंट्स के लिए, कि जो लोग इस साल अभी बस इंजीनियरिंग सर्विसेज आ ही गया है, लोगों का प्रीलिम्स होगा है ना, उसके बारे में कुछ आप बता दीजिए कि क्या किया जाए, क्या किया जाए लास्ट टाइम पे जो उनको ओके एक्चुअली लास्ट टाइम पे आप बहुत कुछ तभी कर सकते हो जब आपका पूरे साल आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से रही हो। पहली चीज, शॉर्टकट्स में कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनको सक्सेस मिल जाती है, बट एटलीस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम एक साल की मतलब डिटरमिंड प्रिपरेशन डिमांड करता है। वन ईयर प्रिपरेशन इज एनफ, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट करने से सक्सेस मिल सकती है, बट ऐसा नहीं है कि एक साल से ज़्यादा। अनलाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज में बहुत बार होता है कि सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में लोगों को सक्सेस मिलती है, बट ये टेक्निकल नेचर का एग्जाम है और ये मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर ठीक है तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और मैं जो मुझे जिस चीज़ का एडवांटेज मिला मैं वो चीज़ शेयर कर सकता हूँ, उसको टिप कह सकते हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट जो आपका जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनके जो डेरिवेशंस हैं उस पर वर्क करने से आपका जो कंसेप्ट बनता है और जो आपको आप जो आगे प्रॉब्लम टैकल करते हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, वो एक पार्ट वर्क करने वाला है। एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहा है, सॉल्विंग मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर आप जितना भी सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम 10 साल 15 साल, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन क्रैकिंग द एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर आप हमेशा लास्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जरूर रखो कि आप लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस, क्योंकि उससे फ्लो बना रहता है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो आप अगर किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक अप हो जाते हो तो यू लूज 2 to 3 क्वेश्चन फॉर दैट वन क्वेश्चन। वो तो क्वेश्चन गया ही गया, उसके साथ 3 क्वेश्चन और भी चले जाते हैं। तो स्टकअप नहीं होना है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाओ, और जितनी आप एग्जाम के पहले आप जितना टच में रहोगे, जितना प्रैक्टिस में रहोगे, इट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प। तो एग्जाम के पहले थियोरेटिकल पोर्शन तो आप अपना रिवाइज कर लो, बट एग्जाम के जस्ट पहले आप कोशिश करो कि आप जितने क्वेश्चन लगा पाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर टैकल करो। सर मतलब आपने एक पूरा एक आइडिया दे दिया सारे स्टूडेंट्स को कि जो लोग अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं उन लोगों को किस चीजों का ध्यान रखना है। कई बार लोग बड़ी गलतियां करते रहते हैं ना, वो लोग भूलते जाते रहते हैं और पीछे रिवाइज भी नहीं करते हैं, ये सारी चीजों को गलत नहीं करना। गलत नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि होता क्या है, सिलेबस जो है बहुत वास्ट है एक्चुअली, तो आप लास्ट डे में आप आके सब कुछ तो आप रिवाइज कर नहीं सकते हो, वहाँ पे क्रिएट होता है डाउट, जो आप कर रखे होते हो उसको भी लेके आप कंफ्यूज होने लग जाते हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हो, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, आपका मोबाइल भी थोड़ा हाई रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप जस्ट उसको हाईलाइट करके रखो कि आपको लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करना है। आप अगर सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी का प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट करोगे, आप वो कर नहीं पाओगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उससे और वो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की मेरा एक दो एग्ज़ाम ख़राब हुआ था इस वजह से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अननेसेसरी प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपकी नींद भी अच्छी नहीं आती है एग्ज़ाम के पहले, और उससे आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली डाउन होती है, और जो कि जहाँ पे कि एक एक क्वेश्चन पे आपका फेट चेंज हो सकता है, वहाँ पे अगर आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो बहुत सारी, तो इट पेज ऑफ हैवीली। मतलब ये कहना हम लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को ये पता चल गया भैया टेंशन लेके पेपर नहीं दिलाना है, पहले थोड़ा सा काम हो जाओ, आराम से आप आंसर देने की कोशिश करिए, आप आराम से जो है पूरी नींद लेके जाइए एग्जाम देने फ्रेश होके, फ्रेश माइंड से, और एग्जाम के पहले वो वाला बुक्स वगैरह लेके और लास्ट मोमेंट तक मगअप करना, वो सब ये बोर्ड का एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम नहीं है,
तो उससे कोई बहुत एडवांटेज आपको मिलने वाला नहीं है, अननेसेसरी का प्रेशर लेके जाते हो एग्जाम में। तो थोड़ा सा काम रह के एग्जाम देने की जरूरत है, क्योंकि ये परसिवरेंस वाला एग्जाम है, इसमें आपको उसी तरीके से आपको अपना एटीट्यूड रखना होगा कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करें। थैंक यू सो मच सर, मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। बस सर फिर आप एंड करिए एक अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ, या जो भी आपको आपको ऐसा लगता है आपको लाइफ में ये बात जो है सबसे आगे लेके गई है, इसका इसके साथ ही तरफ। ओके, एक चीज जो हमेशा मुझे हेल्प की है, मैंने अभी इस वीडियो में भी बोला कि आप अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो आप ये उम्मीद मत करना कि बाकी लोग आपको सपोर्ट करें जब आप डाउन हो, क्योंकि जब आप खुद अपने आप की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि बाकी आपके ऊपर ट्रस्ट करें या आपको ऊपर आपके ऊपर उनको फेथ हो। तो जब भी कोई चीज आप करने जाओ, यू जस्ट बिलीव। और सबसे बड़ा जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो होता है कंपैरिजन। आप बहुत जल्दी कंपैरिजन करने लग जाते हो, अपने आप को इससे कंपेयर करना, उस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपेयर करना, इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता है। अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और ये बहुत ही मिसलीडिंग सी चीज़ है। आपको सबको रियलाइज होता होगा कि आप 10th में मेहनत कर लो लाइफ बन जाएगी, 12th में मेहनत कर लो लाइफ बन जाएगी, इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से कर लो लाइफ बन जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10th कर लेने से, 12th कर लेने से, बीटेक कर लेने से या ग्रुप ए सर्विस में आ जाने से भर से ही सारा काम हो जाता है। आप जब सर्विस में आते हो तो ये आपके लिए एक नई स्टार्ट होती है। यहाँ पे दूसरे टाइप के चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको बिहेवियरल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, अपने आप को सिचुएशन के साथ अडाप्ट करना पड़ जाता है, आपको बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी जा सकती हैं, उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, अपने आप को कैसे कलेक्ट करके रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब आप देखो तो अगर आप सर्विस में आते हो तो आप ऑन एवरेज लेके चलो तो आपको 35 साल तक सर्विस करनी है। तो आप हर स्टेज पे अगर पैनिक वाली स्टेज में रहोगे और हर चीज़ का प्रेशर लेने लग जाओगे तो आप अपनी लाइफ इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, अपने काम को भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए आपका इस स्टेज पे पहुंच के, वो फिर नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज कि आप जहां पे भी हो, यू शुड ट्राई एंड गिव योर 100%। यू शुड नॉट कंपेयर कि मैं इस पीएसयू में हूँ वो पीएसयू ज्यादा अच्छी है, मैं रेलवेज में हूँ तो बाकी डिपार्टमेंट नहीं अच्छा है, या बाकी डिपार्टमेंट में हूँ तो रेलवेज ही अच्छा है। सारे डिपार्टमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, रेलवेज के भी अपने बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं। आप मिलोगे तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बताएंगे। तो जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो उन चीज़ों को, तो डेफिनेटली जो हम सुने होते हैं और जो हम फील करते हैं या जो हम उस फेज से गुजरते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। तो जब आप खुद से अपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हो, उसकी बात अलग हो जाती है। तो इसलिए जहाँ पे भी आप काम करो वहाँ की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप सिर्फ कॉन्स देखने की कोशिश करते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ मिलता नहीं है, प्लस आप उसका भी बेस्ट यूज़ नहीं कर पाते हो जो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स नेशन या नेशन बिल्डिंग में जो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो आप बहुत कुछ कर सकते हो वो आप नहीं कर पाते हो। तो रेलवेज में भी बहुत लोग आएंगे जो तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो खैर रेलवेज में कुछ कैडर रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह का चल रहा है, तो वैकेंसीज नोटिफाई नहीं हो रही है, लेकिन वी आर होपिंग कि बहुत जल्दी IRMS पे कोई डिसीजन आएगा, गवर्नमेंट इज कमिटेड टूवर्ड्स इट। तो उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जो लोग आना चाहेंगे ज्वाइन करेंगे। तो ये है कि इनिशियल जो पोस्टिंग्स होती हैं वो थोड़ी टफ होती हैं रेलवे में, बट उस एडेप्टेबिलिटी के लिए वो भी ज़रूरी है कि आप उस जगह पे आओ, ताकि आप आगे जब वैसी सिचुएशंस को मैनेज करना हो, जब आपको पूरा डिवीजन हेड करना हो, तब आपकी वो कैपेबिलिटीज हो कि आप कर सको। तो इट इज़ बेसिकली चैलेंजिंग फेज ऑफ अर्ली जॉब, ताकि आप आगे जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी हो सके। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वैल्यूबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम लोगों को बस एक ही चीज का भरोसा है सर, कि कहीं एक स्टूडेंट इस साल आगे के कई सालों में कभी भी किसी को इस एक वीडियो से बेनिफिट मिल जाए, तो हम लोगों का जो इतना टाइम आपका लगा है वो सब कुछ वसूल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपको अच्छा लगा होगा।
बहुत अच्छा लगा, इट वॉज शेयर प्लेजर. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन. आई शुड रादर से डिस्कशन देन इंटरव्यू. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड ऐसे ही हम लोग और वीडियोस लाते रहेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.